चलिए आगे बढ़ेंगे। तो उत्तराखंड में साल 2015 और 16 में हुए दारोगा भर्ती घोटाले में अब उत्तराखंड पुलिस के 20 दारोगाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने इन दारोगाओं की सूची संबंधित जिलों में भेज दी है और इस भर्ती घोटाले की जांच विजिलेंस की टीम कर रही है। दारोगाओं के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की भी जांच हो रही है और ये कार्रवाई पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के आदेश के तहत की गई है। आदेश में ये भी कहा गया है कि जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती है तब तक ये संदिग्ध 20 दारोगा निलंबित ही रहेंगे। तो विजिलेंस की तरफ से जांच की जा रही है, लेकिन ये बड़ा फैसला भी अब लिया गया है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती है जो 20 दारोगा जो जिनकी कहीं ना कहीं पूरे मामले में संलिप्तता पाई गई है वो सस्पेंड रहेंगे। और चलिए रवि फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, जांच कहां तक पहुंची है और जो ये 20 दारोगाओं को सस्पेंड रखने का मामला है इनमें किन किन के नाम शामिल है? बिल्कुल आयुषी, देखिए अगर बात करें तो 2015 में जो दरोगा की सीधी भर्ती हुई थी उसमें 340 पद। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। थे और ऐसे इसके बाद जब 2022 मई में स्नातक स्तरीय परीक्षा जब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की गड़बड़ी का मामला सामने आया तो उसी वक्त ये बात पता चली कि 2015 में दरोगा भर्ती में भी गड़बड़ियां हुई थी। इसके बाद ये जांच शुरू हुई, जांच पुलिस से जुड़ी हुई थी तो विजिलेंस को दी गई, विजिलेंस ने अपनी जाँच को आगे बढ़ाया और जो पहले फेज में अगर देखें तो 20 दारोगाओं के नाम जो है संदिग्ध आए हैं और यही वजह है कि उनका ड्यूटी में रहते हुए वो काम को प्रभावित ना करें, जाँच को प्रभावित ना करें, सीधे तौर पर इन 20 दारोगाओं को निलंबित कर दिया गया है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो 7 दरोगा उधम सिंह नगर से हैं, उसके बाद 5 देहरादून, 2 नैनीताल और अन्य जिलों से एक एक दरोगा इसमें शामिल है। इन 20 दरोगाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश जारी हो गए हैं और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई जो है विजिलेंस की जारी रहेगी। अभी माना जा रहा है कि इस फहरिस्त में और नाम भी शामिल हो सकते हैं, काफी ऐसे दरोगा हैं क्योंकि शुरुआती दौर में बात सामने आई थी कि 35 से 40 लोग ऐसे हैं जो नकल करके और गड़बड़ी के बाद जो है इसमें पास हुए हैं, उन्होंने इस परीक्षा को पास किया है। तो अभी फिलहाल 20 दरोगाओं को निलंबित किया गया है, उसके बाद अभी विजिलेंस की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें एक बात ये भी है कि जिस तरीके से दरोगाओं को निलंबित किया गया है तो उनकी बर्खास्तगी की कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसमें हालांकि पुलिस मुख्यालय का यह कहना है कि फिलहाल इस वजह से निलंबित किया गया है कि जाँच प्रभावित ना हो और वो ड्यूटी में बने ना रहे, लेकिन अभी विजिलेंस की जाँच जब आगे बढ़ेगी तो ये फेरिस्त और ज़्यादा लंबी हो सकती है। इसमें जो पंतनगर विश्वविद्यालय है उसके द्वारा ये परीक्षा कराई गई थी, पंतनगर विश्वविद्यालय के एक अधिकारी, एक डीन और इसके साथ ही RMS कंपनी के जो राजेश चौहान है उनको इसमें आरोपी पहले से ही बनाया गया है। तो ये पूरा मामला UK SSSC स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में जो लोग गड़बड़ी में शामिल थे वही लोग जो है इसमें भी उनके नाम सामने आए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा है और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी दरोगा ने 7 साल की अपनी सेवा दे दी हो। 7 साल तक जो है कई दरोगा इसमें ऐसे हैं जो चौकी इंचार्ज रह चुके हैं, इस वक्त जिनका निलंबन हुआ उसमें से 2 दरोगा ऐसे थे जो देहरादून में चौकी इंचार्ज थे उनको इस वक्त निलंबित किया गया है। तो ऐसे में 7 साल बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी इसमें देखने वाली बात ऐसी ये है कि इसमें कौन कौन से और नाम सामने आते हैं और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो जांच की आंच है वो कहां तक पहुंचती है और किन बड़े अधिकारियों तक पहुंचती है इस पर भी नजर बना के रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।